बोल सर, क्या होने वाला है अब? ऐसा ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब आप पासवान जी एनडीए के साथ। देखिए, एनडीए के साथ तो कभी बाहर थे ही नहीं, लेकिन आज इन्होंने एनडीए के साथ या एनडी के साथ, अब तो कहीं पर भी आज की डेट में इस स्टेज पर नहीं है। जब अब नया गठबंधन स्टार्ट होगा, जिसके साथ बातचीत होगी, उसके बारे में सबको पता लग जाएगा किसके साथ है। बट ये कंफर्म है कि पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ना है और अपना सर्वाइवल इलेक्शन से ही है। दैट इज कंफर्म। क्या आपको नहीं पता है? आपने खुद देखा है, 40 में से एक सीट भी नहीं दे दी, जहाँ 40 में से हमारे पास 5 सीटें थी, 35 बाकी सबके पास थी, तो जिनको दे दिया उनके पास एक थी, उनको ऐड कर दिया 5। अब एक वाले को 5 दोगे, 6 हम लोग थे, अब उसको 5 में भी खुश हो गया, तो दैट इज ओके, नो इश्यूज। तो आपको दिक्कत इस चीज से है कि आपने सीट नहीं दी, इस वजह से आप नाराज भी? ऑफ कोर्स, नाराजगी कोई किससे नहीं, राजनीति में कोई नाराजगी नहीं होती। उनको लग रहा है आज हमारे से बेनिफिट नहीं है और कहीं से बेनिफिट है, तो ठीक है, उनकी इच्छा है। अब हमें जहाँ अपना बेनिफिट दिखेगा, हम वहां पर उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, वो भी कोई फाइनल नहीं है। अपना अगला कदम है, पार्टी पूरा संगठन बैठेगी, पूरी इकाई है जो आरएलजेपी की इकाई है वो पटना में बैठेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पटना जा रहे हैं, अपने पूरे टीम के साथ बैठेंगे, वो टीम जो फाइनल करेगा, वो फाइनल स्टेज पर जो भी आ जाएगा उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। थैंक यू।